performance is good, but not electrifying. But press this sports mode. The car is ready to respond. Hey guys, follow us on Instagram @ the auto expert with a X, not to miss on any exciting updates from us. Hello friends and welcome to Auto Show by the Car Mall. और आज का ये एपिसोड है बहुत स्पेशल क्योंकि हम एक बहुत ही एक्सोटिक और लग्जरियस लोकेशन पे आए हैं एक प्रीमियम सेडान के साथ, जापानीज प्रीमियम सेडान, अ लग्जरी कार, द टोयोटा कैमरी। एंड खास बात इसकी क्या है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल टोयोटा कैमरी, दिस इज़ अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये है इसकी चाबी जो मेरे हाथ में है, सो वेरी स्मार्ट की विद द टोयोटा लोगो एंड अ ब्लू रिंग इनसाइड। अगर आप सामने लोगो में भी देखोगे, सो देयर इज़ अ वेरी स्मार्ट ब्लू विच दे हैव यूज्ड विच सिग्निफाइज दैट इट्स अ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक क्या है उसकी डिटेल्स आपको अभी बाद में बताएंगे। आपको बताएंगे कार के बारे में एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द टोयोटा कैमरी इन दिस एपिसोड, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकॉन ताकि आपको हर संडे नोटिफिकेशन आते रहें। फ्रंट लुक की बात करें कार की, आप सामने देख सकते हो बहुत ही स्मार्ट टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। द डिजाइनिंग इज इवोल्यूशनरी। उसके नीचे अगर आप देखोगे देर इज अ मैसिव केपिंग लोअर ग्रिल एंड अ थिन बैंड ऑफ क्रोम राइट अंडरनीथ द लोगो। अगर हेडलैम्प्स की हम बात करें, सो दीज आर LEDs विद DRL एंड अ वेरी स्मार्ट स्लिम स्वेप्ट बैक लुकिंग हेडलैम्प्स। अब देखो पूरा हेडलैम्प्स, इट गोज ऑल द वे बैक। यहाँ पे आपको मिलती है हाइब्रिड की बैजिंग बिकॉज इट इज अ हाइब्रिड व्हीकल। कार कम्स विद अ 18-inch multi-spoke alloy wheel and the tire size is 235/45R18. Now let's go to the back of the car and show you the designing from the back. So that is the back look of the car. Again you get the Toyota logo with the blue ring inside signifying that it's a hybrid or electric vehicle. And niche yahan pe aapko chrome ka bahut acha band milta hai with Camry written in bold letters. Aur agar iske aap tail lamps ki baat karo, so these are all LED tail lamps, wrap around tail lamps. This helps in looks of the car to make it look more wider and bigger. This premium sedan has a boot capacity of 587 liters. So that is a massive boot for you. And iske niche aapko milta hai fifth alloy wheel, which is again 18 inches in size. सो इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करी है टोयोटा ने। यू गेट ऑल फाइव अलॉय व्हील्स ऑफ सेम साइज एंड अ मैसिव बूट ऑफ 587 लीटर। दिस लुक्स सो स्पेशियस, इट्स अ स्पेशियस कैबिन विथ लॉट्स ऑफ लग्जरी इनसाइड। So the seats can be controlled electrically 10 ways and it has a lumbar support too, and these are ventilated seats jo ki India mein bahut zaruri hain, cool seats, so since we have a hot weather in North India, so this is a very good feature in this car. So it's time to go for a drive, but before we go on the drive let me explain you a few features about the car. So sabse pehle to car mein aata hai start stop button, aur ye humne car start kar di hai. Aap samne मीटर देख सकते हो, आपको पूरा डिस्प्ले दिख रहा है एंड कोई भी आवाज़ नहीं है। इट इज़ पिन ड्रॉप साइलेंस। यस, इट इज़ पिन ड्रॉप साइलेंस बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रिक मोटर एंड द कार इज़ रनिंग, द इंजन इज़ रनिंग बट देयर इज़ नो साउंड। यू डोंट बिलीव मी, राइट? आई विल शो इट टू यू। दैट्स द गियर लीवर, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड द कार इज़ मूविंग। So it feels like I am inside a golf cart. There is no sound, there is no noise. अभी
और ड्राइव करेंगे और डिटेल में बताएंगे आपको बाद में, पहले इसके फीचर्स एक्सप्लेन कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ हाइब्रिड व्हीकल एंड डिफरेंस बिटवीन अ प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अ हाइब्रिड व्हीकल इज कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरा बैटरी पे होता है एंड उसमें पेट्रोल इंजन नहीं होता, आप उसको चार्ज करते हो, प्लग इन चार्ज होता है वो। ये सेल्फ एनर्जी जनरेट करती है हाइब्रिड कार, इसमें एक एडिशनल बैटरी होती है विच इज़ अ निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी एंड उस बैटरी की आपको टोयोटा वारंटी देती है 8 ईयर्स की, उससे भी पावर जनरेट होता है। जब इनिशियल आप स्टार्ट करते हो कार को तो 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक या अप टू अ स्पीड ऑफ 40 कार पूरा प्योर इलेक्ट्रिक मोटर पर चलेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्ट करके आगे करके दिखाया था। सो देयर वाज नो नॉइज बिकॉज कार वाज रनिंग ऑन बैटरी, बट एज सून एज यू क्रॉस द स्पीड ऑफ 40 कार अपने आप पेट्रोल इंजन पे आ जाएगी। एंड अब आपके अंदर ये सवाल होगा कि ये बैटरी पे कार वापस कैसे आएगी और बैटरी चार्ज कैसे होगी। सो इट इज़ अ सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म, जब भी आप कार की ब्रेक लगाओगे ब्रेक से पावर रीजनरेशन होगा एंड जब भी आप डी एक्सेलरेट करेंगे तो व्हील के मोमेंटम से पावर जनरेट होगा और उससे जो बैटरी है वो चार्ज होगी। एंड यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हो, देयर इज अ इंजन, देयर इज अ इलेक्ट्रिक मोटर एंड देयर इज अ बैटरी। तो करंट आपका कैसे फ्लो हो रहा है, पावर कैसे फ्लो हो रही है आपको पूरे टाइम इसमें दिखेगा। अभी बैटरी हमारी ऑलमोस्ट 50% चार्ज्ड है, यहाँ पे आपको बैटरी का भी स्टेटस आता रहेगा। सो कार विल स्विच ऑटोमेटिकली, इट हैज सेंसर्स, इट विल सेंस कि कार को कब बैटरी में चलना है और कब पावर इंजन से लेनी है। सो द टोयोटा कैमरी कम्स विद 8 इंचेस टच स्क्रीन एंड बहुत ही अच्छा टच स्क्रीन दिया हुआ है, इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। ये आपको नेविगेशन दिख रहा है, सारे फीचर्स हैं, यू नो, चैनल ट्रैक, फोन एप्स, मेन्यू, ऑडियो। द इंफोटेनमेंट सिस्टम लुक्स अ लिटिल डेटेड टू मी, थोड़ा सा और स्टाइलिश हो सकता था। द ड्राइवर स्टेयरिंग ऑल्सो हैज़ इलेक्ट्रिक मोटर, आप इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी फंक्शन। द एयर कंडीशनिंग ऑफ दिस टोयोटा कैमरी इज़ वेरी इफेक्टिव, इट्स अ 3-zone AC, आप देख सकते हो 3-zone लिखा हुआ है एंड इट्स अ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ऑल 3 ड्राइवर, को ड्राइवर एंड द रियर पैसेंजर, ऑल 3 ऑफ अस कैन सेट आवर ओन टेम्परेचर्स एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस एयर कंडीशन हैज़ अ नैनो ई टेक्नोलॉजी, यहाँ पर छोटा सा नैनो ई लिख के आ रहा है। सो वॉट इज़ नैनो ई? नैनो ई ये होता है कि जब हम बहुत देर अगर हम एसी में बैठते हैं तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। सो नैनो ई टेक्नोलॉजी इज़ कि वो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखेगा एंड ड्राई नहीं होने देगा। टोयोटा हैज़ डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक द न्यू कैमरी स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, दे हैव यूज्ड लॉट ऑफ सॉफ्ट टच मटीरियल्स, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर आप देखो मैं एक फिंगर से प्रेस कर रहा हूँ, इट्स वेरी सॉफ्ट, इवन द लेदर इज़ वेरी सॉफ्ट एंड ऑफ गुड क्वालिटी, और बहुत ही अच्छा लाइट कलर्ड वुड यूज़ किया हुआ है। देयर इज़ अ टच ऑफ क्रोम अबव इट, इट हैज़ अ पियानो ब्लैक फिनिश एंड अगेन लॉट्स ऑफ क्रोम्स ऑन द बटन्स, और इसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी हुई है। So now we are at the back seat for the owner's experience of this splendid Toyota Camry. As you can see, I am seated at the back seat. So this car comes with a rear manual side blinds and main peeche passenger side ke back pe baitha hu. Yahan ek bahut acha feature hai, there are 2 buttons over here, one is to slide the seat ahead and isko main aage aur fold bhi kar sakta hu for even more leg room. So if I am driving alone with the driver, you can see the space, there is tremendous amount of ample leg space and I can sit very comfortably like a boss. There's a lot of cushion on the back, bahut acha thigh support hai, bahut achi cushioning hai, the headrest is quite nice and seat ka jo angle hai, reclining angle, wo bahut acha hai. Now to add on, the icing on the cake is there's a very nice center armrest with leather on the top, so it is very soft and comfortable when you rest your hand over here. Very smart cup holders and this is a LED touch panel with all the controls
ऑन योर बैक सीट, तो आपको आगे ड्राइवर को बार बार इंस्ट्रक्ट नहीं करना कि वॉल्यूम धीरे कर दो या चैनल चेंज कर दो. सो यू हैव ऑल द वॉल्यूम कंट्रोल्स, ट्रैक, एवरीथिंग दैट यू विश टू कंट्रोल ओवर हेयर. एंड दिस इज द एसी कंट्रोल. यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर. एज इनिशियली आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ 3-zone एसी. और जो बेस्ट पार्ट है वो है इसकी रिक्लाइनिंग सीट्स. यहाँ से मैं सीट्स को रिक्लाइन कर सकता हूँ. सो नाउ एज यू कैन सी द सीट्स आर गेटिंग रिक्लाइन. देयर इज अ लिमिटेशन, ये मैक्सिमम रिक्लाइन है एंड इट इज़ अ परफेक्ट एंगल टू रिलैक्स. इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग पोजिशन. एंड ऑल्सो अगर पीछे से आपको धूप आ रही है, सो देयर इज अ सन शेड, उसका टच पैनल पे कंट्रोल दिया हुआ है. सो इफ आई प्रेस इट, आप उसको यहाँ से इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हो. इट्स डाउन नाउ एंड आई कैन ऑलवेज हैव इट बैक व्हेन द सन रेज आर कमिंग इन. सो वी आर ड्राइविंग द ऑल न्यू टोयोटा कैमरी हाइब्रिड एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेरी गुड. जो विजिबिलिटी है, सामने एंगल है, वो बहुत अच्छा है कार का. द ए पिलर्स आर वेरी थिन एंड जो बाहर के ओ आर वी एम्स हैं बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं. यूजुअली ओ आर वी एम्स ए पिलर पे होते हैं. दीज आर प्लेस डाउन अंडर ऑन द डोर. सो देर इज लॉट ऑफ स्पेस जो नॉर्मली कई बार ब्लाइंड स्पॉट बनता है. तो विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है कार की व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार. दिस कार कम्स विद अ 4-cylinder इन लाइन 2.5-liter इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड एंड द इंजन इज वेरी रिस्पॉन्सिव. जो कार का BHP है वो 218 PS पावर है अगर कार का इंजन और बैटरी दोनों वर्क कर रहा है. और कार सिर्फ जब अपने पेट्रोल इंजन पे वर्क करेगी तो उसका जो पावर होगा वो होगा 178 PS का एट अ टॉर्क ऑफ 202 न्यूटन मीटर्स. और अगर सिर्फ बैटरी की आप बात करें तो उस समय उसका जो पावर जनरेट होता है 120 PS का पावर है एट अ टॉर्क ऑफ 202 न्यूटन मीटर. So I have told you the combined power which is 218 PS. So it's a very good power overall. और car का maintenance, क्योंकि Toyota है तो obviously कोई ज़्यादा maintenance नहीं है. You have to get one service every year done at a nominal cost and after every 10,000 kilometers. जो car की warranty है अगर हम उसकी बात करें, it's a low maintenance Toyota होती है. So 3 years 1 lakh kilometers the warranty. You can have it extended up till 5 years till 2.2 lakh kilometers. और हम कार को 2 दिन से ड्राइव कर रहे हैं. जो ग्राउंड क्लियरेंस है कार का वो भी बहुत अच्छा है. इट इज़ 160 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एंड द कार इज एक्चुअली फन टू ड्राइव. सो वी क्रूजिंग ऑन द हाईवे एंड द स्टेयरिंग फील ऑफ द कार इज वेरी गुड. इट हैज़ अ राइट अमाउंट ऑफ हैवीनेस विच शुड बी देयर फॉर द साइज ऑफ दिस कार. ओनर फ्रेंडली होने के साथ साथ जो नई कैमरी है वो ड्राइवर फ्रेंडली भी है. सो इट इज़ लोडेड विद लॉट्स ऑफ फीचर्स लाइक वेंटिलेटेड सीट्स एंड ड्राइविंग मोड्स, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड. एक बहुत अच्छा फीचर है कार में जो कि है हेड्सअप डिस्प्ले. सो वाइल ड्राइविंग आई कैन सी द स्पीड एंड अदर रीडिंग्स ऑन द विंड स्क्रीन. द कार कम्स विद अ 7-speed ऑटोमेटिक CVT गियर बॉक्स विद सीक्वेंशियल गियर शिफ्टर्स एंड देयर इज अ पेडल शिफ्ट एज वेल. सो द गियर बॉक्स इज वेरी रिस्पॉन्सिव. आपको और क्विक शिफ्टिंग चाहिए सो यू कैन ऑलवेज हैव द कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग पेडल शिफ्ट. यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट इलेक्ट्रीफाइंग नंबर्स फ्रॉम दिस कार बट द परफॉर्मेंस इज brisk and smooth. And as long as you pressing the throttle gently, the car shifts to the EV mode and becomes very silent. So for all the music enthusiasts out there, this car comes with JBL sound system and 9 speakers. So let's check out the music. So that's JBL sound system with 9 speakers for you in the Toyota Camry. And ये तो था infotainment, entertainment. और अगर safety features की बात करें, हमने अभी तक safety features की बात नहीं करी है. So this car has the maximum number of airbags, 9 airbags, including driver knee airbag as well. 9 airbag होने के साथ साथ इस कार में आपको मिलता है anti-lock braking system with electronic brake force distribution and brake assist. ब्रेक होल्ड फंक्शन, व्हीकल स्टेबिलिटी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल विद ऑफ स्विच, पार्किंग असिस्ट, बैक गाइड मॉनिटर, क्लियरेंस एंड बैक सोनार, इम्पैक्ट सेंसिंग फ्यूल कट ऑफ, स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट 3-point ELR सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट वार्निंग विद बजर, स्मार्ट की रिमाइंडर वार्निंग, आइसोफिक्स एंड टॉप tether anchor for child seats and immobilizer with alarm. So
there is a long array of safety features. And the Toyota Camry also comes with an electric sunroof. Let's try to open it. The Camry is definitely owner's car if you want to have the pure luxury, pure comfort at the back seat. And agar aapko snob value nahi chahiye car ke brand ki, because it's a little subtle brand, and low maintenance car chahiye, good average and a good resale, then you should go for Toyota. Obviously you don't have that kind of a driving pleasure jo aapko Audi, BMW, Mercedes mein milta hai, but this car is a owner's car with lots of rear seating comfort, which is best at this price, because at 41.2 lakhs ex showroom aapko 3 series bhi nahi aati. So the pricing is quite right, and for owners this is the best product to have. आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा. सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट वी कैन कीप कमिंग विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज एवरी संडे फॉर यू. थैंक यू फॉर शोइंग द सपोर्ट. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर चैनल, स्टे सेफ, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस.